नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बोरा पिशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम शुरुआत करते हैं मणिपुर से। मणिपुर में एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन है, वहाँ के भाजपा विधायकों ने, 21 विधायक हैं और 17 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ है। और ये जो पूरा सिनेरियो है, इसके इससे पहले कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ की कैबिनेट में। ये जो पूरा जो वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये क्या चल रहा है इस वक्त मणिपुर में? देखिए, ये तो इस हफ्ते का जो आपने बताया कि ये लेटर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी को, तो ये इस हफ्ते का डेवलपमेंट है। बट उससे पहले से ही ये इट्स बीन ब्रूइंग, होता रहा कि एक लीडरशिप चेंज चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, मतलब उनसे अगर आप जो रिवेल ग्रुप है उनसे अगर आप बात करें, तो ये निकल के आता है कि वो सोचते हैं कि ये बहुत कंट्रोल करते हैं हम पे और सब कुछ उनके थ्रू जाना है, फ्रीडम नहीं है, तो ऐसे कुछ और सबको एक साथ लेके नहीं चलते हैं, ऐसे सारी बातें सामने आती है। तो ये एक जो पावर स्ट्रगल जो है उसका अगर आप देखिएगा कि ये 17 जना जो किसके साइड गए हैं, ये जो थनौजम बिश्वजीत सिंह हैं, ये भी एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के ही, स्टेट बीजेपी के, और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं बीरेन सिंह गवर्नमेंट में, तो उनको उनके साथ है वो। तो अब जब देखिएगा कि लेकिन मैं मतलब हमारे दर्शकों की इसको ले जाना चाहूँगी, जब असेंबली इलेक्शन हुए थे 2017 में, तब एक बहुत उस टाइम में भी एक पावर स्ट्रगल थोड़ा सा मुझे दिखा उस स्टेट पे। तब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा अगर बीजेपी पावर में आती है, तो उस टाइम पे जो इनका दो ही मेंबर्स थे, एमएलए दो ही थे, बिश्वजीत सिंह थे और जॉय किशन। तो ये जॉय किशन जी लीडर थे असेंबली के, इनके जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उनके दो ही जना थे, तो ये सीनियर थे तो ये लीडर थे, तो सब उस टाइम कह रहे थे कि ये चीफ मिनिस्टर यही बनेंगे, जॉय किशन जी बनेंगे। तो लेकिन इलेक्शन से पहले वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, तो जब कांग्रेस में शिफ्ट हो गए तो ये बिश्वजीत सिंह की भी एक को लोगों कुछ लोगों ने नहीं कुछ लोगों ने वो भी देखा कि पॉसिबिलिटी ये भी ये हो सकती है। जब मेरी बात हुई बिश्वजीत सिंह से उस टाइम पे, तो उन्होंने ये रिजेक्ट नहीं किया ये बात, तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है, क्योंकि मैं अब कुछ बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात ये है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम देखते हैं, जैसे आप आसाम देखिएगा, अरुणाचल देखिएगा, उस टाइम की बात कर रहे थे, तो उसमें हमें दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी प्रेसिडेंट जो है, ये यंग चीफ मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में चाह रहे हैं, जैसे सर्बानंद सोनोवाल हो गया, पेमा खांडू हो गया, तो उसमें एक मतलब एक हिंट वो उन्होंने उस टाइम हमें दिया था। तो उसके बाद एन बीरेन सिंह जो कांग्रेस से आए थे, वो ही बिकेम द डार्क हॉर्स और वो बन गए चीफ मिनिस्टर। तो उस एंड इट्स अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी का पूरा उसमें बहुमत नहीं है, तो इट्स अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी। सो अभी जब हम देख रहे हैं कि इसमें एक पावर स्ट्रगल होता रहा, जब हम लास्ट इसको बात को ये सुने कि June 5 को ये एक बीजेपी ने वहाँ मणिपुर में एक अच्छा चीज़ शुरू किया, जो पहले जो कैबिनेट मीटिंग्स होती थी खाली इम्फाल में ही होती थी कांग्रेस के ज़माने में, तो ये और जगहों में ले जाने लगे, जैसे चुरछानपुर में ले गए 2017 में ही ले गए, तो इट वॉज़ वेरी नाइस। लोगों को ये लगता है कि सरकार यहाँ आई है और क्या, तो हम इसके इंक्लूसिवनेस दिखाता था। तो फिर इस बार June 5 को उखरूल में हुआ, एक अनदर पार्ट है वो, तो उखरूल में हुआ। तो उखरूल में जब हम देखे कि बहुत उनके जो सीनियर कुछ मेंबर्स जो कैबिनेट के हैं, इंक्लूडिंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो एनपीपी से आते हैं, इनके अलायंस पार्टनर, वो मिसिंग थे वहां पे। देखा, और सिग्निफिकेंटली मैं क्यों कह रही हूँ June 5 की बात, तो उन्होंने उस दिन रिपोर्टर्स को वहाँ कहा कि मैं कैबिनेट रीशफल करूँगा जल्दी, और उसका क्राइटेरिया या पैरामीटर्स क्या होंगे कि जो मिनिस्टर है उसका परफॉर्मेंस, उसका लॉयल्टी टू द पार्टी एंड टू द लीडरशिप। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने वो भेजा। तो उसके बाद से हमने देखा कि ये जो लेटर का जो सिलसिला जो आपने मेंशन किया वो हुआ। तो एंड देन सडनली अनदर थिंग व्हाट वी सी नाउ, जो मुझे लगता है बात पलट रही है,
मतलब बीरेन सिंह की तरफ, वो है जो ये आरबीआई का जो लेटेस्ट, इस बीच में जो पोर्टफोलियोस चेंज हुए उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है राज्य के जी उनको बदला गया, और जी उसमें जो लगातार बातें सामने आई उसमें है कि राज्य सरकार के ऊपर एक ओवरड्राफ्ट काफी ज्यादा जी है जी जी आरबीआई का, और आरबीआई ने जो आगे के चेक्स जो हैं वो ऑनर करने के लिए मना कर दिया है, और इस बीच में काफी आरोप प्रत्यारोप लगे कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से गलती हुई या फिर वो उनकी तरफ से जो बयान आया वो था कि नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद ही ये जिम्मेदारी ली थी और वही फाइनेंस का जिम्मा जो था वो खुद देख रहे थे। ये जो पूरा आरबीआई को लेकर और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो राज्य का जो खींचतान है इसके बारे में हमें बताएं। वही जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ही है, मिस्टर यूमनाम जय कुमार, तो ये भी एनपीपी के टॉप नेता लीडर है जी मणिपुर के। तो उनको अब आप देखिएगा कि जून ये 12 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग हुई उनके घर पे बंगलो में, ऑफिशियल बंगलो सीएम के ऑफिशियल बंगलो में हुआ, उसमें कैबिनेट की मीटिंग हुई, और वहाँ उसके ही बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि कैबिनेट ने मुझे अप्रूव किया है इस बात को, डिसीजन को, कि मैं पोर्टफोलियो फाइनेंस का पोर्टफोलियो और ये विश्वजीत सिंह जो है ये वर्क्स एंड पावर का मिनिस्टर है, पोर्टफोलियो जी वो पोर्टफोलियो भी मैं ही मेरे देखूंगी साथ रहेगा, और क्योंकि हिज मेन आर्ग्यूमेंट वाज दैट ये फाइनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी है ये इसके लिए इसको देखा जाएगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है ही उनको रडार के अंदर वो आएगा, और जब तक ये प्रूव ना खत्म हो तो ही वांट्स टू कीप द पोर्टफोलियोज विथ हिम। तो इसमें तो ये जो ओवरड्राफ्ट है इट इज नियरली 300 करोड़, तो उसमें आरबीआई ने अब डिसऑनर करना शुरू कर दिया है, तो इट इज जी एक्चुअली द मणिपुर इज इन अ वेरी एक्यूट फाइनेंशियल यू नो क्राइसिस, बिकॉज आप देखिए पहला चीज क्या होता है जब आपका ओवरड्राफ्ट वगैरह सब बंद हो जाता है, ये जो सैलरीज सैलरी जी जो है जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज हैं के सैलरीज होंगे और कुछ बहुत सारे ऐसे जो छोटे मोटे जो चीजें जो मतलब लोअर जी वो में होगा वो कटेगा पहले, तो दिस एक्चुअली कैन लीड टू वेरियस अदर इश्यूज यू सी। सो ये क्राइसिस मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी काइंड ऑफ अ सीरियस इश्यू, तो इसमें और ये पॉलिटिकल क्राइसिस, एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल जी और एक फाइनेंशियल, ये जो है जी ये दोनों अब एक मिक्स हो चुका है, और उसमें से जब मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इम्फाल में बात हुई आज कई लोगों से, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि 17 लोग जो 21 में से 17 MLAs इनको किसी और को सपोर्ट कर रहे और चीफ मिनिस्टर को अपोज कर रहे थे, मे बी देर कुड हैव बिन अ लीडरशिप चेंज, यू नो कुछ हो भी शायद सकता था, लेकिन ही इज़ वेरी लकी, द चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी लकी, क्योंकि ये जो आरबीआई का ये जो आया अब इट गिव्स हिम अ काइंड ऑफ अ हैंडल, यू नो इट गिव्स हिम अ काइंड ऑफ एन अपर हैंड कि कि उनकी पर्टिकुलर नेता के जो जी नेतृत्व में था वो मंत्रालय ने जी गलत जी तरीके से काम गलत है, किया जिसके तो वजह से एक ये जो ओवरड्राफ्ट इनको हुआ एक स्ट्रेंथ मुझे लगता है अब मिला है, और मुझे ये भी लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप की सपोर्ट इनके इनको है, मिस्टर बिरेन को ये है, क्योंकि हमारे खबर के मुताबिक तो जो नेशनल लीडर्स जो है नॉर्थ ईस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेते हैं बीजेपी के राम माधव जी और सम अदर्स ऑल्सो, वो लोग पहुंचे थे उधर जी। और इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश कर अभी रहे हैं। अभी राज्य का जो पावर ट्रसल है, जो स्ट्रगल है, क्या इसका कोई पॉलिटिकल, जिस क्राइसिस की हम बात करें, क्या इस तरफ मुड़ सकता है? क्या हमें लीडरशिप में कोई चेंज देखने को मिल सकता है? तो वही मैं कह रही हूँ कि लीडरशिप चेंज मुझे लगता है कि हो भी सकता था, बिकॉज लेकिन ये जो आरबीआई का जो ये बात आ गया है, जी तो अगर आप लीडरशिप भी चेंज करें तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हैज टेकन दैट स्टेप, यू सी फाइनेंस मिनिस्टर ही बदल दिए, जी पावर मिनिस्टर ही बदल दिए, वर्क्स के मिनिस्टर भी बदल दिए, तो ये जी जो किया है इन्होंने कुछ एक मैसेज टू वो पब्लिक को भेज रहे हैं कि मैं आई एम इन कंट्रोल, मैं लेकिन अगर आप देखिए मिस्टर जॉय कुमार की बात अगर आप सुने जो इन्होंने बयान दिया रिपोर्टर्स को जी इम्फाल में कल की बात है, तो ये जो उन्होंने एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, तो ये उसका टिप्पणी अब मिस्टर बीरेन से आया नहीं है, तो ये इन्होंने कहा कि जब जनवरी 2018 में चीफ मिनिस्टर इंसिस्टेड कि जितना भी ट्रांजैक्शंस हो जो 2 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन हो वो मेरे ऑथोराइजेशन के बिना नहीं होगा, इवन इफ ही वॉज नॉट द प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये आता है कि इतना जो 2018 और 2019 जी तो एक साल में
मतलब एक साल के अंदर ही अगर इतना मतलब नियरली 300 crores बढ़ गया है, सो 2 crore, उनका कहना है कि 2 crore के कम से तो निकाले नहीं होंगे, तो दैट मीन्स द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी प्रिवी टू इट. ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो इसमें अभी उनका टिप्पणी का हमारा इंतजार है, तो ये नहीं आया है अभी. तो मुझे लगता है कि इट विल बी स्लोली ब्रॉट इन टू कंट्रोल, बट दैट डजंट मीन कि ये जो तसल है ये खत्म हो जाएगा एकदम से. मुझे नहीं लगता, अभी के लिए शायद तल गया हो. जी, अगली खबर असम से है. असम में फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं, जिस जो ये विदेशी नागरिकों का जो मुद्दा होता है, इनको अगर शक होता है अगर राज्य सरकार को, तो उन्हें फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में भेजा जाता है. पिछले दिनों फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 में अमेंडमेंट किए गए, जिसके बाद कहा गया, ये खबरें आईं कि ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को या फिर जो सिटीजनशिप के मुद्दे हैं इनको अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया इनको लाया जाएगा. ये बात इसका खंडन किया गृह मंत्रालय ने, पर ये जो संशोधन हुए, संशोधन होने की बात स्वीकारी गई है. क्या है ये फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर से संबंधित जो संशोधन किए गए हैं, और क्या पैन इंडिया के लिए इनका महत्व है? देखिए, जो 1964 ऑर्डर है वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के आधार में है. उसके अंदर जो पावर्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उनको एक पावर मिलती है उस एक्ट के तहत, तो उसी के बलबूते ये आया था 1964 में. तो बट जब 1964 में जो ये एक सितंबर 1964 में इसको लाया गया, तो उस टाइम पैन इंडिया ही उसका स्पियर जो था, मतलब जुरिसडिक्शन जो है पैन इंडिया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये असम के लिए लाया गया था. तो इसे आप देखिएगा, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी क्योंकि क्यों ये 1964 का ऑर्डर आया लाया गया था. तो ये जो उस टाइम का जो सेंसस बनी थी, तो सेंसस के जो कमिश्नर थे, तो उन्होंने ये बात कहा कि नियरली 2.5 lakh जो रोल में दिखा, ये इन्फिल्ट्रेटर बताया गया कि ये मतलब उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था और ओपन बॉर्डर था, तो ये कह रहे थे कि वहां से आए हुए हैं लोग जो मुझे यहाँ पे हमें सेंसस में मिले. तो एंड दैट वाज दैट इंफॉर्मेशन वाज बैक्ड बाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स. सो जब ये सब दिखा, सेंटर को दिखा, तो उन्होंने तो ये ट्राइब्यूनल, तो उसके बाद जो एक पुलिस का एक वो चला कि कहाँ है इन्फिल्ट्रेटर्स, इनको डिटेक्ट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए. पहले पुशबैक था, वो पुशबैक किया जाए. लेकिन उसमें एक और बात हुई, इसमें बहुत आरोप ये आया कि बहुत सारे जेन्युइन सिटीजन्स को भी इन्फिल्ट्रेटर के हिसाब से ट्रीट किया गया और डिपोर्ट करने की कोशिश. तो ये उसमें एक बहुत बड़ा आरोप था ये. और उस टाइम पे आप लोग देखिएगा कि ये 1965 का जो इंडियो पाकिस्तान जो वॉर है उसका बैकड्रॉप है ये, और 1962 का चाइनीज एग्रेशन बस हुआ ही है. तो आप देखिएगा उस एरिया में कितना वो इट इज अ फ्रेजाइल काइंड ऑफ अ सिचुएशन एंड एन ओपन बॉर्डर. तो उस टाइम तो ये जो ऑर्डर, फिर पाकिस्तान ने इसको यूनाइटेड नेशंस में जाने का भी थ्रेटन किया कि ये उनके लोगों को हमारी तरफ भेज रहे हैं जबरदस्ती. तो देन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ट्राइब्यूनल्स, देन कि जुडिशियल, किसी जुडिशियल किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको जाना पड़ेगा बिफोर दे आर डिपोर्टेड. अगर पुलिस पकड़ते हैं किसी को तो ये चाहे समय ही लगे. तो उसी वजह से ये 64 का ऑर्डर लाया गया फॉरनर्स एक्ट के तहत. तो पहले 4 tribunals सेटअप किया गया, उसके बाद आई थिंक इट वेंट अप टू 9 इन बाय 1968. तो ऐसे चलता गया ये प्रक्रिया. तो अभी का जो ये जो लाया गया है, तो इसमें आप देखिएगा कि कोई भी चेंजेस लाते हैं ये पैन इंडिया ही है. मतलब उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये मतलब कोई स्पेशली फॉर इंडिया, फॉर असम परहैप्स क्या हो, जो MHA कह रहे हैं, जो कह रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज फॉर असम बिकॉज ट्राइब्यूनल्स असम में ही है. लेकिन इसका जुरिस्डिक्शन जो है ये ऑल इंडिया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी दिन स्टेट गवर्नमेंट इसको, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य सरकार एक ट्राइब्यूनल बिठा सकते हैं फॉरेनर्स केसेस को डील करने के लिए. लेकिन नॉर्मली अभी क्या होता है, जो ये लोकल कोर्ट को, जो पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है, उसी की तरफ ये डील होती है. लेकिन और क्योंकि आपको अगर ट्राइब्यूनल सेटअप करना है, यू नीड अ स्पेशल रीजन फॉर इट विच असम हैड. सो ये अगर स्पेशल रीजन आप
आपके पास नहीं है तो आप एक अलग तरीका के एक फाइनेंशियल हेड आप खोल दोगे उसमें। और असम में जो ट्राइब्यूनल सेटअप किए जाते हैं आज के डेट पे भी होता है, ये MHA प्रोवाइड करते हैं पैसा, तो एक सेंट्रल एक फंड स्पेशली होना पड़ेगा अगर सब स्टेट में ये किया जाता है। जी तो। ये है जी। तो जो बदलाव किए गए हैं इस बार, ये क्या बदलाव हैं जो अभी जो 31 मई को 30 मई को जो बदलाव हुए हैं, ये बदलाव क्या है और उससे क्या फर्क पड़ेगा ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि लगातार असम में सिटीजनशिप का जो इशू है, NRC हो चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, इसको लेके लगातार ये मुद्दा रहा है। तो ये NRC की प्रक्रिया में क्या ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ये जो बदलाव हुए हैं इनका क्या महत्व होगा? देखिए, NRC और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल दो पैरेलल प्रक्रिया है। जो NRC अब 1951 में असम में बनी थी, जो एक्सक्लूसिव था, किसी और स्टेट में नहीं बनी थी, वो भी ये सब कारणों के वजह से ही बनी थी। और क्योंकि नई सिटीजनशिप एक्ट अब देखिए 1955 में आया, सो उस जमाने में कुछ नहीं था, तो देर वर वेरियस अदर थिंग्स दैट वेर ब्रॉट इन। सो उस टाइम तो ये अब जो ये अपडेट हो रहा है एज पर दी असम अकॉर्ड, जो कट ऑफ डेट होता है March 24, 1971, तो असम के लिए अलग एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप कट ऑफ डेट है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग डेट है सिटीजनशिप का, तो असम के लिए वो है। तो उसमें उस हिसाब से इसको अपडेट किया जा रहा है। तो अपडेट होने के बाद जो लोग भी अभी रह जाएंगे, जैसे July 31st को फाइनल NRC जो सुप्रीम कोर्ट निगरानी में हो रहा है, वो फाइनल NRC पब्लिश होगी। फाइनल NRC में अगर पब्लिश होने के बाद जो लोग रह जाएंगे वो ऑटोमेटिकली फॉरेनर नहीं बनेंगे, उनको एक प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया क्या है? तो ये ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया है। ट्राइब्यूनल्स को आप अपील करेंगे, ट्राइब्यूनल्स आपके ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और उस हिसाब से अगर आपको ट्राइब्यूनल फिर आपको फॉरेनर फिर बनाता है, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे फॉर अपील, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। दिस इज द प्रोसीजर। तो आप आती है ये जो जो अमेंडमेंट, जो ये अमेंडमेंट में अगर आप जब देखिएगा कि जो 1964 का जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, इट इज वेरी बेसिक। मेजर चेंजेस आप देखिएगा क्लॉज 3 में हो रहा है। क्लॉज 3A जो पहले था, तो उसमें ये कहा जाता है, मतलब एक बेसिक प्रक्रिया जो फंक्शनिंग जो अभी हो रही है असम में बेस्ड ऑन दैट, तो यही एक प्रक्रिया है कि कंसिडरेबल टाइम दिया जाएगा, एक किसी को एक्यूज होते हैं तो SSA आना पड़ेगा, ये बेसिक थिंग है। लेकिन ये जो दो इंसर्शंस जो हमने देखा, जो उसमें आता है एक लंबा प्रोसीजर, एक इन पार्ट्स में पूरा बताया जाता है कि क्या होगा, अपील कैसे होगा, DM को अथॉरिटी दिया गया है, तो ये एक नया चीज़ है, तो DM को अथॉरिटी दिया जाने वाला। तो आप देखिएगा मतलब कौन रेफर कर सकते हैं असम में अगर सस्पेक्टेड फॉरेनर्स केस है। दो तरीका है, एक तो आपको जो SP जो बॉर्डर जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो एक रेफर कर सकते हैं केस को ट्राइब्यूनल में कि ये है एक सस्पेक्टेड केस है, फिर वो ट्राइब्यूनल नोटिस देगा, ऐसे एक क्वासी जुडिशियल एक बॉडी है, ये उस हिसाब से चलेगा। दूसरा ये है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका एक स्पेशल कैटेगरी असम के लिए है ऐसे वोटर्स जो डी वोटर के नाम से, डाउटफुल वोटर। तो डाउटफुल वोटर जो भी होता है, 1997 से ये प्रक्रिया शुरू है असम में, तो उसमें फिर वो भी रेफर करते हैं SP को, तो SP देन फाइनली रिवर्ट्स टू द ट्राइब्यूनल, तो उस हिसाब से चलता है। अब हम जब देखें ये जो May 30th का जो चेंजेस जो लाए गए हैं, उसमें ये है कि DM जो है अब ही कैन ऑल्सो रेफर। तो मुझे जितना समझ में आया कि ये रेफर नया बात है, तो ये नया क्यों? बिकॉज यू हैव टू रीड इट अलॉन्ग विद द अदर स्टेप्स कि अगला क्या कह रहा है। सब अगला उसमें ये आता है कि DM विल बी द कस्टोडियन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब जब NRC का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो अपडेटेड जो लिस्ट है वो DM को दिया जाएगा DM ऑफिस में, तो ये DM विल बी द कस्टोडियन। इसका मतलब तो दैट मीन्स जो ट्राइब्यूनल्स में अपील चलेगी तो ये ऑन डिमांड DM को प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो जिम्मेदारी तय करने की जी, तो क्योंकि NRC जो 1951 भी बने थे वो भी DM ऑफिस में ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये पुलिस की तरफ पुलिस स्टेशन में आने लगे। क्यों? क्योंकि ट्राइब्यूनल सेटअप किए गए और पुलिस विल हैव टू रेफर टू दी NRC 1951, यू नो, तो उस हिसाब से धीरे धीरे ये DM ऑफिस से ये शिफ्ट होने लगे पुलिस स्टेशन में। तो मुझे लगता है वही प्रक्रिया अब वापस जा रहा है
है कि अब डीएम विल बी द कस्टोडियन. तो मुझे लगता है उस हिसाब से शायद कि डीएम को भी ये पावर दिया गया है कि ही और शी कैन ऑल्सो क्वेश्चन. दो प्रोविजन्स मुझे दिखा. इट सीम्ड लाइक कि ऑन हर ओन शी कैन डू इट ऑल्सो, अगर उनको लगे पूरा डॉक्यूमेंट्स देख के वो है. और दूसरा ये है कि अगर 2 महीने के अंदर कोई अपीलेंट ट्राइब्यूनल को अपील नहीं करता है, मतलब अगर उनके खिलाफ केस हो जाता है और 2 महीने के अंदर वो नहीं करते तो डीएम कैन रेफर. सो ये सब चीज़ें लाए गए हैं. और दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे वो हुई है जो 120 दिन का समय दिया गया है कि 120 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को एक केस को खत्म करनी पड़ेगी. तो मुझे लगता है एक टाइम फ्रेम आ गया है जी, जो बीते एनआरसी के जब से मुद्दा आया है तब से हमने देखा लगातार कुछ केसेस लगातार चलते हैं. और जो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी थी कि सालों साल केस चल रहा है और कोई किसी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, वो अपील करना चाहता है, तो वो बहुत ही क्राइसिस जैसा जो हमने कुछ केसेस देखे थे उनमें आया था. तो ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये शायद वैसे सिचुएशंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए किए गए. तो मुझे लगा कि मतलब इतने सारे अगर केसेस आते हैं तो ये आप जो सोचिए जो जुडिशियरी पे या ट्राइब्यूनल्स में भी जो प्रेशर पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई अब एमएचए कह रहे हैं कि 1000 जो 100 ट्राइब्यूनल्स का आसाम में है तो ये इसको 1000 तक ले जाएंगे एंड बाय जुलाई 31 300 कर देंगे. लेकिन जब 100 में ले जाने के टाइम पे 32 से जब 100 ले जाना था ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो उसी टाइम स्टेट गवर्नमेंट को लोग नहीं मिल रहे थे, मतलब रिटायर्ड जज और ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया है तो वो नहीं मिल रहे थे. तो देन दे हैड टू रिलैक्स द रूल्स, यू नो, जो सीनियर लॉयर्स है 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 45 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरिया थे तो वो मेंबर एफटी मेंबर बन सकते हैं. लेकिन अभी आप देखिएगा ये जो 200 बनाने का जो हुआ है उसमें भी सरकार कह रहे हैं कि हम बाहर से जरूरत है तो ले आएंगे और उसमें ऑलरेडी मिनिमम एज 35 ईयर्स होना पड़ेगा, आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 7 साल होना पड़ेगा, नीचे आ रहे हैं, रिलैक्स किया जा रहा है क्योंकि और बहुत सारे और क्राइटेरियाज भी खुल दिए गए हैं क्योंकि इतना ऑफिसर्स नहीं होंगे. ये तो ये देखने लायक एक वो होगा जो ये 31 के बाद है, मतलब इट इज एक्चुअली वेरी सीरियस सिचुएशन एक्चुअली. जी, इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद संगीता. थैंक यू.